कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुपर ह्यूमन कहा जा रहा है। क्लियर होना चाहिए किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया और किसको दिया। आप क्लियर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पर सवाल नहीं उठाया, वो कांग्रेस आज सवाल उठा रही है। लॉकडाउन पर सवाल, सरकार की तैयारियों पर सवाल, उसके लिए एक ही शब्द है, एंटी नेशनल, राष्ट्र विरोधी है। हमारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मजदूर पैदल या ज्यादा पैसा खर्च कर घर की ओर जा रहे हैं। आखिर हमारी सरकार कहाँ सोई हुई है? और हमारे सत्ता पार्टी के नेता या तो कभी नफरत की राजनीति करते हैं या कभी झूठ फैलाते हैं। इस संकट के समय भी वे राजनीति से बाज नहीं आ रहे और विपक्ष पर निशाना साधने में लगे हैं। इन दिनों राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं जो हमारे सत्ता में बैठे मंत्रियों को करना चाहिए। वे लगातार अर्थशास्त्रियों से बात कर रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। हाल ही में भाजपा के नेता संबित पात्रा ने संकट के समय राहुल गांधी के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा शुरू करने की कोशिश की। संबित पात्रा ने राहुल गांधी की छोटी सी क्लिप शेयर कर ट्वीट किया, पीछे से आलू आगे से सोना, और अब जो रेड है वह ग्रीन है, जो ग्रीन है वो रेड है, ये क्या है? सुनिए ये क्लिप। रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। अब हम आपको दिखाते हैं कि असल वीडियो क्या है और आखिर राहुल गांधी कहना क्या चाहते थे। ये जो जोन्स बने हैं रेड ऑरेंज ग्रीन, ये नेशनल लेवल से बने हैं। ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इन्फॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है, तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है, चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। छोटा सा उदाहरण दिया। आपने देखा किस तरह भाजपा नेता द्वारा आधा अधूरा वीडियो शेयर कर राहुल गांधी का मजाक बनाने की कोशिश की गई। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी प्रधानमंत्री के साथ हुई मीटिंग में राहुल गांधी द्वारा दिए सुझाव का जिक्र किया। मेरे पटियाला शहर में एक दो मोहल्लों में ये बात है, राजपुरा में है, लेकिन नाभा में एक भी नहीं, कभी भी नहीं हुई, ना शतराना में ही ना समाना में ही, पर सारा सारा डिस्ट्रिक्ट को ही रेड कर दिया हमने। एंड अगर पटियाला में भी होता, शहर में जो है, अगर मेरे कंट्रोल होता तो मैं कुछ मोहल्ले जिसमें था उसको मैंने आइसोलेट करके एक बफर जोन बना देनी थी उसके चारों तरफ और बाकी पटियाला शहर खोल देना था। ऐसा ही मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे दो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं इसके साथ, पटियाला वन एंड तीन रेड जोन में से एक लुधियाना, एक जलंधर, ये मेरे इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं। अब लुधियाना में मेरी आज 207 इंडस्ट्री है जो बड़ी इंडस्ट्री है और मीडियम इंडस्ट्री है, 60,000 स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री है। अब उधर कोई नहीं काम कर सकता, दैट इज वन। जलंधर इज माई सेकेंड हब, उसमें भी यही प्रॉब्लम है। मैं ये चाहता हूँ सर, एंड आई वॉन्ट टू मेक अ रिक्वेस्ट टू यू, जैसे बाकी चीफ मिनिस्टर ने कहा, हम जानते हैं, अगर आप हमें ये इजाजत दे दें कि हम वी हैंडल दिस बिजनेस ऑफ रेड ग्रीन एंड जोन, ये हम कर लेंगे, और फिर हम जानते हैं कहाँ क्या है और अपने डीसी वगैरह को इस्तेमाल करके हम इसको बिल्कुल कंट्रोल ले सकते हैं और लोगों को रोक सकते हैं। आखिर भाजपा ऐसे संकट में राजनीति करना बंद क्यों नहीं करती? क्या भाजपा के नेताओं को भूखे मजदूर दिखाई नहीं दे रहे? क्या भाजपा को आर्थिक संकट दिखाई नहीं दे रहा? वहीं बात करें पीएम केयर्स फंड की, जब वह बना था तो ये कहा जा रहा था कि ये कोरोना के संकट से लड़ने के लिए काम आएगा, पर आखिर देश में मजदूरों के लिए इस फंड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? ये आप मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, इसमें मैंने कोई राजनीतिक आक्रमण नहीं किया। ये टाइम मदद का है, फ्रेंकली बताओ, हिंदुस्तान की जनता को दर्द हो रहा है, हमें उनके साथ खड़ा होना है, वो काम हम कर रहे हैं। देखिए, जो मैंने कोविड ऐप के बारे में बोला वही पीएम फंड के बारे में बोल रहा हूं। उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया और किसको दिया। आप क्लियर कर दीजिए, ऑडिट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब विपक्ष इस पर सवाल पूछता है तो मीडिया सरकार के नुमाइंदेपन विपक्ष को नीचा दिखाने में लग जाता है और मीडिया जरूरी मुद्दों को छोड़ मोदी जी की तारीफ करने में व्यस्त है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत में पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई, लेकिन आजकल हमारे ही देश के बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में
कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों और बुद्धिजीवियों ने इस फंड पर सवाल उठाए और कहा कि पीएम केयर्स फंड पारदर्शी नहीं है और इसका सारा पैसा पीएम नेशनल रिलीफ फंड यानी पीएम एनआरएफ में ट्रांसफर कर देना चाहिए। कुल मिलाकर 74 वर्ष पहले बनाए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और 2020 में बनाए गए पीएम केयर्स फंड का मकसद मोटे तौर पर एक जैसा ही था, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पर सवाल नहीं उठाया वो कांग्रेस आज पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठा रही है। आखिर क्यों? देखिए, कोशिश हमारी ये होती है कि दिन की शुरुआत में ही आंकड़ों की नजर से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर की स्थिति आपके सामने हम रख दें। लेकिन एक और स्थिति है भारत की जिसकी दुनिया भर में हो रही है तारीफ। एक बार फिर से कोरोना की जंग में प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने पीएम मोदी को कोरोना के खिलाफ जंग में महामानव कहा, यानी सुपर ह्यूमन। जी हाँ, ये लोगों के आत्मसंयम और सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि देश में कोरोना का अभी कोई विस्फोट नहीं हुआ। देखिए, ये रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुपर ह्यूमन कहा जा रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की मुरीद हो गई है। जो भी इस वक्त कोरोना से लड़ाई में देश के साथ खड़ा है वही सच्चा राष्ट्रभक्त है। लेकिन जिसने ये तय कर लिया है कि नफरत ही उसकी मकसद है और मुसीबत खड़ी करना ही उसका मुद्दा है, उससे देश कोई उम्मीद नहीं करता है। उसके लिए एक ही शब्द है, बुरा मानेंगे लोग मगर कहूंगा, ये सारे राष्ट्र विरोधी, एंटी नेशनल राष्ट्र विरोधी है। लॉकडाउन पर सवाल, सरकार की तैयारियों पर सवाल, कोरोना को हारने वाली हर नीति पर सवाल। आज जो विपक्ष कर रहा है किसी समय मोदी जी भी उसी तरह यूपीए सरकार से सवाल किया करते थे। क्या भारत के नागरिक को दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहाँ होता है वो जानने का अधिकार है? अगर देश के नागरिक को ये जानने का अधिकार है और अगर वो कोई पूछे कि भारत सरकार की तिजोरी के पैसे कहाँ खर्च किए गए वो गुनाह है? क्या ये पूछना सही है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है तो आपको जानकारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? जो मोदी जी कह रहे हैं इस पर भी फिर मीडिया को उनकी आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी सत्ता से सवाल कर रहे हैं। क्या तब की मीडिया ने मोदी जी से सवाल किए? किसने कोई आलोचना की? आज की मीडिया एक तरफा हो चुकी है, वह सत्ता में बैठी पार्टी की कमियों को नजरअंदाज करता जा रहा है और जो कोई उसे उजागर करता है मीडिया उस पर सवालों की बौछार कर देता है। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया धीरे धीरे सत्ता की कमियों पर सवाल करना शुरू करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।